समय चुनाव का दौर है तो अलग अलग पार्टी के आपने टेंट देखे होंगे और लोग अपने तरीके से मुबारकबाद दे रहे हैं। अब मैं यहाँ शहर पेशवाम के पास आ गया हूँ, जो इस शहर के पेशवाम हैं और हिजबुल रजी, वो मुबारकबाद देंगे आप सभी को। अरे वाह, ईद के मुबारक मौके पर लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? संदेश तो आपने सुन ही लिया है जी, और मैंने जो है काफ़ी बातें कह रखी हैं। सबसे अहम चीज़ यही है कि आदमी शिक्षित हो, समझदार हो जी, और इस दुनिया से जो अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है और अल्लाह के बंदों के लिए बनाई हुई दुनिया है, तो इंसानियत की हिफाजत के लिए काम करें, चाहे वो किसी भी कौम के हों, किसी भी वर्ग के हों और किसी भी मज़हब के अनुयायी हों, हमें सब के लिए काम करना है जी, और अपने तालीम के और संवैधानिक दायरों के साथ काम करना है। आप शहर के पेशमाम हैं, एक शहर का पेशमाम बहुत हद तक चीज़ें तय करता है कि अगर उसने कोई इशारा कर दिया तो हो सकता पब्लिक या जनता उनके साथ हो जाए, तो क्या एक कोई इशारा किसी पार्टी विशेष के लिए आप कर सकते हैं या कर रहे हैं या ऐसा कुछ? अच्छा, इस पर आप कोई कमेंट नहीं करेंगे? जो जिसको लोग बेहतर समझें और इतनी समझ तो रखते हैं, वो लोग अपने स्तर से ये फैसले कर सकते हैं। तो आप राजनीति से बिल्कुल दूर हैं? नहीं, नज़र मेरी है राजनीति पर, इससे दूर नहीं हूँ, मैं उसके करीब हूँ, लेकिन मैं कोई अनाउंसमेंट उसके ताल्लुक से नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे साथ अभी जुड़े थे शहर पेशवाम नजमुल रजी, और इनके द्वारा कहा गया है कि शहर में सबसे पहले अमन चैन की चीज़ें हों, अमन चैन पहला रहे, और सबसे पहले इन्होंने एक मैसेज दिया है, जैसे कि चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव के दौर के दौरान इन्होंने एक मैसेज दिया है कि जो भी आप प्रत्याशी चुने, किसी कौम का हो, धर्म का हो या कहीं से भी हो, कैसा भी हो, आप सिर्फ उसे इस तौर पर देखें कि वो शिक्षित हो या समझदार हो या चीज़ें इस तरीके की लेकर आए, इस तरीके की चीज़ें लेकर आए कि लोगों तक अच्छा, आवाम तक अच्छा मैसेज जा सके। विधायक जी, दो दो सब मुबारकबाद के लिए बोले, दो सब हम सबके लिए और कालपी नगर वासियों के लिए, पूरे जनपद के लिए, ऊपर वाले का सब पर रहमो करम हो, सब खुशहाल हों, सब प्रसन्न हों, यही आज दुआ मांगी गई है और आगे भी बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से हम यहाँ के प्रत्याशी जो कमर अहमद जी हैं, सपा के प्रत्याशी, जो ईद की मुबारकबाद लोगों को दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब मैं कमर अहमद जी से कहूँगा दो शब्द कुछ ईद की मुबारकबाद के लिए कहें। शहर के सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद। पाक महीना रमजान शरीफ में रोजे रखे हैं, किसी वजह से लोग रोजे नहीं रख पाए, जो तरावी पड़ी हैं उन सबको मुबारकबाद। और शहर में अमन चैन भाईचारा रहे, शहर खूबसूरत रहे, शहर में खूबसूरत काम कराया है। आप करबला शरीफ में देख रहे हैं कितना बेशुमार काम है, इसके पहले तमाम लोग हुआ करते थे, मुसलमान भाई भी रहे यहाँ पे, किसी ने एक ईंट नहीं रखी। ज़्यादा से ज़्यादा करबला शरीफ से लगाए, मजहबी काम होंगे, शहर अच्छा होगा और अल्लाह के वली मदद करते हैं और कर रहे हैं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों का जैसा हो बुझाने। और जैसा कि आपने देखा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इन्होंने भी वो लोगों को मुबारकबाद दी, ईद की मुबारकबाद दी, और ईद की मुबारकबाद देने के बाद यहाँ से अलग अलग दल के प्रत्याशी हैं, मैं आपको कंटिन्यू यहाँ से दिखा रहा हूँ। और अलग अलग, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, यह ईद की नमाज मुकम्मल हो चुकी है और लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। और आज की ईद के मुबारक दिन पर आप क्या क्या कहेंगे? सभी नगरवासी और देशवासियों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर से प्रत्याशी जी बलबीर जी हमारे आज बोलेंगे, ईद की मुबारकबाद क्या कहना चाहेंगे? हम सब मुसलमान भाइयों की ईद की हार्दिक शुभकामना, मुबारकबाद। तो मैं सबसे पहले अनिल भाई से पूछूंगा जी, बोले आप। सबसे पहले आज हम पूरे शहरवासी, नगरवासी, जनपद वासियों को ईद मुबारकबाद देते हैं इस पुरखलूस मौके पर, और हम उनसे आह्वान करेंगे कि हम आपके साथ में कंधे से कंधे मिला के नगर विकास के लिए हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष के तौर पर खड़े हैं प्रत्याशी तौसीफ खान जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं इस ईद के मौके पर आप? ईद के मौके पर लोगों को संदेश देना चाहते हैं, पहले तो सबको दिली मुबारकबाद देना चाहते हैं जी, और ये हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष जी, पूरा नाम के साथ आप अपना बताएं। मैं रामकिशोर गुप्ता,
निषाद पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी जी, और अपने बगल में उरे का रहने वाला हूँ। सबसे पहले हम सभी भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं और सर्व समाज के लोगों से। अरविंद यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं, तो सभी देश नगर वासियों को ईद की मुबारकबाद, बहुत बहुत अमन चैन बना रहा है, ईद मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्रशासन भी है काफ़ी मुस्तैदी से लगा हुआ है। सर ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को, आपका सहयोग बहुत योगदान है, बहुत अच्छा है, अतुलनीय है, जिसका हम जितना भी भरपूर कहें तारीफ करें कम है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन जब तक मजबूत नहीं होता है तो व्यवस्थाएं बन नहीं पाती हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे ईद के मौके पर? सर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपका ईद का त्यौहार रहा, नमाज सफल संपन्न हुई, यहाँ पे पुलिस प्रबंध काफ़ी व्यापक था, प्रशासन भी यहाँ पे दुरुस्त था, सारी व्यवस्थाएँ थी, आप लोगों ने भी काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा करी, आप सबको मैं ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे बढ़ूँगा, देखें यहाँ से अब ईद की नमाज मुकम्मल हो गई है और यहाँ से लोग लौट रहे हैं और ये भीड़ आप देख सकते हैं कंटिन्यू, और यहाँ से अब नीरज पाल जी का कुंडवा लगाया जाए। नीरज पाल जी, जल्दी से दो वर्ड कुछ बोलें ईद की मुबारकबाद के लिए। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे नगरवासियों को हमारी तरफ से, और यहाँ पे भाईचारे का अच्छा हमें प्रतीक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और सब लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को वोट करके भारी मतों से विजयी बनाए। बहुत बहुत जी जी, दो मिनट का कुछ भी आप बोलें ईद की मुबारकबाद। आप बोलो भैया, बोलो। कालपी की तमाम आवाम को, भाई भाई तमाम हिंदू मुस्लिम आवाम को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भाईचारे का संदेश देते हुए पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई आपसी भाईचारे के साथ ईद मनाएं, और इसी के साथ तमाम मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम नेताओं को और आवाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत। अरे शुक्रिया, ये प्रोग्राम पहुँचना चाहिए। सही, समाजवादी के लोग हैं, वालेकुम सलाम, जो लाल लाल यहाँ आप देख रहे हैं, गले में इनके गमछे देख रहे हैं, ये समाजवादी के लोग हैं, लगातार लगे हैं, इनकी पहचान शहर में अलग ही है, इनका लाल दिखावा ही सबसे आगे चल रहा है, इनको आगे चलिए। और ये देखिए दीवान अतीक सिद्दीकी के समर्थक हैं, जो लोगों के बीच अपना प्रचार भी कर रहे हैं और ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं। ये अफजाल भाई हैं, ये इश्तकार भाई हैं, कुछ ईद के मौके पर कुछ दो सब कुछ भी। तमाम आवाम को ईद की दिल से मुबारकबाद। इश्तकार भाई, सारे शहर नगर वासियों को अतीक दीवान सिद्दीकी की तरफ से और हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हसन भाई, ईद की मुबारक आप लोगों को, शहर के तमाम आवाम को बहुत की ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। शहर के पूर्व चेयरमैन रह चुके जीवन जी, जिनका नाम लोगों की जवाब पर एक टाइम तक बड़ा रटा हुआ था, अभी भी है, अभी भी इनकी पहचान चेयरमैन के तौर पर कही जा सकती है, तो कुछ शब्द चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन के साहब। आज कालपी नगर वासियों को बहुजन समाज पार्टी की ओर से और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे अतीक दीवान सिद्दीकी की ओर से समस्त नगर वासियों को ईद की दिली मुबारकबाद दूंगा, और अमन चैन बनाए रखें इस शहर में, हमारे यहाँ अमन चैन बना हुआ है। शासन प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से ईद में व्यवस्थाएँ की गई, बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की गई, इसके लिए सभी प्रशासन को, पत्रकारों को, आप सभी भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद हमारी तरफ से, और हमारा प्रत्याशी जो है अतीक दीवान सिद्दीकी जी विशेष ध्यान रखें। जी जी जी, और हमारे साथ प्रत्याशी बसपा पार्टी से दीवान अतीक सिद्दीकी जी, आप कुछ बोलेंगे यहाँ से ईद के लिए? जी, हमारे ईद आज कालपी की तमाम आवाम, देश की तमाम आवाम, सबको मेरी तरफ से, दीवान अतीक सिद्दीकी की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कालपी की आवाम के लिए कोई एक मैसेज? कालपी की आवाम के लिए यही मैसेज है कि ईद अपने मोहब्बत और भाईचारे के साथ मनाएं, तमाम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से गले मिलें और सबको मुबारकबाद दें, और कालपी की आवाम को एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित जी, ये हमारे क्षेत्र के ऐसे चर्चित लोग हैं जिनको मैं अपने छात्र जीवन से देख रहा हूँ, ये हमारे छात्र नेता रहे हैं और अब फिलहाल इन्होंने ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ईद के लिए? ईद में इस मौके पर इतने बहुत अच्छा त्यौहार है, एक दूसरे से मिलकर जो ईद मनाते हैं, ये हमें भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही लोगों में स्नेह प्रेम और सौहार्द बना रहे, बस यही हम कहना चाहेंगे, और हमेशा इसी तरीके से ईद को मनाने का प्रयास करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ईद की मुबारकबाद आपने दी। अब एक राजनीतिक बात, नीरज पाल के समर्थन के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या चाहते हैं लोगों से?
हाथ के पंजे पर चौथे नंबर खाने पर बटन दबा हमें मोहर लगाकर विजयी बनाने का काम कर रहे हैं लोग, और एक निष्ठावान प्रत्याशी को जिताकर नगर पालिका में एक जो भ्रष्टाचार मुक्त अगर आप नगर पालिका चाहते हैं नीरज पाल को जिताकर वहां पहुंचाए हम लोग। ये हमारे दोस्त हैं राजनीति और ब्लॉक से हटकर, ये हमारे ऐसे दोस्त हैं जो सारे ग्रुप वासियों को जिनको लंगोटिया कहते हैं वो हैं। अब जो ग्रुप वासियों के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं भाई, ग्रुप वासी हमारे सबको ईद मुबारक और जल्दी मिलो भैया, कहाँ मिलना है जहाँ भी मिलो भैया, पार्टी कुछ कलवाओ है भूखे हैं। चलो फिलहाल यहाँ से हम अपना ब्लॉग चलो हैं। ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनकी छाप शहर में इस वक्त बहुत ज्यादा है, चर्चाओं में सबसे ज्यादा अगर कोई नाम है तो अरविंद जी का नाम है। अरविंद जी कुछ अपने साथ वालों से भी ईद की मुबारक, वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और क्षेत्र में अमन चल रहा है इसी बात की कामना करते हैं। एक राजनीतिक बात पूछना चाहेंगे, इस वक्त आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं चुनाव से संबंधित? ईद की मुबारकबाद आपने लोगों को दी, बहुत अच्छा लगा, लोगों ने मुबारकबाद स्वीकारी भी है आपकी, और क्षेत्र जिस तरह क्षेत्र में आपका चर्चा है, अरविंद जी का चर्चा है, तो आप चुनाव में अरविंद जी के लिए क्या चाहते हैं जनता से, एक कोई बात? चुनाव के संबंध में जनता से यही अनुरोध है कि अपना जो कैंडिडेट चुने देख सुन करके जान करके, ताकि नगर का होने वाला विकास जो है संभावित रूप से सही हो, दिशा अच्छी हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि अरविंद जी के जी आपको भी ईद की मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं यहां से आगे बढ़ूँ, हमारा पेज है ब्लॉग वाला कल्पी यूट्यूब चैनल, ठीक है, आप सर्च करें उस पर आप सबका पेज सारा लोगों का होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बढ़ रहे हैं तौसीफ जी की तरफ, तौसीफ निषाद पार्टी से खड़े हैं, मैं फिर से इनसे एक बार बोलूँगा, अभी तक आप जब मैं गया था तो ईद की नमाज हुई नहीं थी, अभी ईद की नमाज हो गई। तौसीफ जी, ईद की नमाज के बाद पहले तो हमने आपसे मुबारकबाद ली थी, अब एक चुनावी बात करेंगे, इस बार क्या चाहते हैं जनता से, क्या अपील चाहते हैं आप, जनता के बीच कैसे जाना चाहते हैं, कुछ एक बात कहें। जनता के बीच हम काम को लेके जाना चाहते हैं, सड़क आपने देखा 15 साल से ऊपरी पड़ी है जी, शिक्षा की जो व्यवस्था है प्राइवेट स्कूलों की, तो जो सरकारी स्कूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन पर कुछ काम होगा, जो अधीन होगा उसके नगर पालिका उसमें काम होगा। तो आप जनता से चाहते हैं कि वोट आपको करें? जी बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। तो सिर्फ एक बात और इससे जुड़ी पूछना चाहते हैं, जैसे कि शहर में आप सबसे युवा नेता हैं, युवा होने के नाते आप क्या क्या आगे जनता को देना चाहते हैं, आप कुछ अपने तरफ से बताएं कि आपकी घोषणा पत्र में क्या शामिल हो सकता है, कोई एक बात? देखिए हमारे में शिक्षा सब सर्वोपरि है जी, और स्वास्थ्य और खेल के उसमें काम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि तौसीफ जी ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा और खेल के मैदान के लिए जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पीछे से जी, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं तौसीफ जी के लिए? लोगों का मानना अगर तौसीफ के प्रति अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग सत्ता में हैं, अगर विकास कराएंगे तो हम ही लोग कराएंगे जी, क्योंकि यहाँ भी हमारी गवर्नमेंट, यहाँ हमारे तौसीफ भाई जीतेंगे, और हम विधानसभा में भी हैं, हम सत्ता में, हम लोकसभा में ही हैं सत्ता में, अगर कोई विकास करा सकता है सत्ताधारी पार्टी करा सकती है, हम ही विकास कराएंगे जी। देखिए एक मैसेज जो निकल के आया है तौसीफ जी की तरफ से, अभी तक किसी पार्टी ने ये बात नहीं कही है, ये बात इनकी सबसे अलग है, इनका कहना ये कि सत्ता में निषाद पार्टी और भाजपा का जो गठबंधन है, अगर शहर का कोई विकास करा पाएगा तो वो ऐसी पार्टी करा पाएगी जो ऊपर भी अधीन हो और ऊपर भी कम से कम सत्ता पे काबिज हो, जैसे कि बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन है, और गठबंधन होने के नाते आप शहर में विकास तभी करा पाएंगे जब आपको ऊपर से सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके की बहुत अच्छी बात कही गई है निषाद पार्टी की तरफ से कि तौसीफ खान को इसलिए चुना जाए कि ये आने वाले टाइम पे शहर के विकास के लिए सबसे बेस्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात बहुत अच्छी लगी हमें कि ये बात ऐसी है कि अभी तक किसी द्वारा ये बात नहीं कही गई, और अलग अलग पार्टियां जो थी उन्होंने मोस्टली ये बात कही कि सड़क होना चाहिए, किसी ने कहा कि इस वजह से होना चाहिए, कोई ने शिक्षा को लेकर कहा, लेकिन जो एक जायज़ बात, जो एक सबसे अच्छी बात कही गई वो ये कही गई कि सत्ता में जो काबिज है वो विकास को लेकर सबसे आगे रहेगा। तो तौसीफ खान इसी पार्टी से जुड़े हैं, निषाद पार्टी से, और निषाद पार्टी का गठबंधन जो कि बीजेपी से है, और बीजेपी सिर्फ प्रदेश स्तर पर नहीं, प्रदेश के अलावा देश में अगर राज कर रही तो वो बीजेपी है, तो तौसीफ खान यानी विकास की एक दूसरा राह हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। और हम फिर से आ गए हैं एएमएम पार्टी की तरफ, एएमएम पार्टी की तरफ से हम पहले मुबारकबाद आप सभी को दे चुके हैं, लेकिन अब बात करेंगे राजनीतिक तौर पर। साथ अभी जुड़ गए हैं पसमांदा समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इस समय
एएमएम पार्टी का बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके तरफ से कुछ एएमएम पार्टी या शहरवासियों के लिए मैसेज पहले तो भाई देखिए, जो गालपी नगर पालिका में जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 4 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, इसमें सभी प्रत्याशी अपना अपना जोर आजमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये तय करना है कि हमारा लगनशील प्रत्याशी, ईमानदार प्रत्याशी और सुख दुख में काम आने वाला प्रत्याशी, तो हमारा समर्थन जो भारतीय पसमांदा मुस्लिम महासभा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में ये संगठन चल रहा है, हम कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं ना किसी पार्टी को, तो हमारा समर्थन अनिल भाई मंसूरी के साथ हमारा पसमांदा का जो संगठन है वो पूरा इनका सपोर्ट कर रहा है पूरी ताकत से इनको, और यहाँ से नगर पालिका का अध्यक्ष चुनाव करा करके इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत से इनको चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। यहाँ पे कुछ एएमएम समर्थक है जो कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं शहर के लिए। जी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस सिर्फ 2 बात कहूँगा, तेरी टोपी तेरी दाढ़ी तेरी शेरवानी पसंद आई, तेरी टोपी तेरी दाढ़ी तेरी शेरवानी पसंद आई, तेरे किरदार से खुशबू मुसलमा की नजर आई, कौम की दलाली करने वालों अब होश में आओ, वो है नामे ऐसा जिसकी जुबा हमें पसंद आई। अगर कोई एक इस वक्त जोश में पार्टी है तो एएमएम है, एएमएम के अलावा कोई शहर में इतना जोश नहीं पकड़े है, जिस तरीके से हर जगह चर्चाओं का दौर जारी है, कहा तो बहुत कुछ जा रहा है, शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। देखिए ये युवा हैं और युवा का जोश जिस तरीके से आप कहते हैं खून उबाल मारना, कहीं ना कहीं ये उबाल मार रहा है अपनी पार्टी की तरफ, अपनी कयादत की तरफ, इनका ऐसा कहना है। तो ये देखिए एएमएम की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है शहर में, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मैं आगे भी बढ़ूँगा और भी तमाम। छोटी मोटी गलती माफ़ करो, अपना दिल साफ करो और ऐनुल हसन मंसूरी के साथ चलो। बहुत बहुत